हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। सो गाइस, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, अभ्युदय कोचिंग के 500 प्रतियोगियों को मिलेगा मुफ्त टैबलेट और इसकी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। तो आगे हम बात करेंगे किस किस को मिल सकेगा ये टैबलेट की योजना का लाभ, आप कह सकते हैं मुफ्त टैबलेट वितरण का लाभ। तो चलिए दोस्तों, पूरा आर्टिकल देखते हैं आज के न्यूज़पेपर का। दोस्तों यहाँ पर ये आज का न्यूज़पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्युदय कोचिंग के 500 प्रतियोगियों को मिलेगा टैबलेट और इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्युदय कोचिंग के पंजीकृत मंडल के 500 प्रतियोगियों को टैबलेट दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बृहस्पतिवार को समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त संजय गोयल ने पात्रों की सूची तैयार करने के लिए नए सिरे से टाइम टेबल बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश सरकार ने हर मंडल से 500 प्रतियोगियों को टैबलेट देने की घोषणा की है। यानी दोस्तों, यहाँ पर प्रतियोगी बहुत ज़्यादा हो गए और टैबलेट भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन बात की जा रही है हर एक मंडल से 500 प्रतियोगी होने चाहिए, ठीक है। यहाँ मंडल के हिसाब से देखा जाता है कि एक मंडल से 500 प्रतियोगियों को मिलेगा, ठीक है। अभी इस बाबत गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। मंडलायुक्त ने समाज कल्याण विभाग के अफसरों से इसकी प्रारंभिक सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंडलायुक्त ने टीचिंग कैलेंडर बनाने का भी निर्देश दिया है। हालांकि अभी ऑनलाइन ही कक्षाएं चल रही है, उन्होंने विषयवार टाइम टेबल बनाने के लिए कहा है। मंडलायुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखते हुए भी तैयारी कर ली जाए। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये आखिर किस लिए दिए जा रहे हैं। तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अभ्युदय कोचिंग योजना की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत बहुत सारी अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक मंच तैयार किया गया था, जिसके जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है बच्चों को क्लासेस प्रोवाइड की जाने की बात की गई थी। दोस्तों इसके लिए आवेदन भी पहले हो चुके हैं, ठीक है। और जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन कर लिया है, अब उन्हीं में से छटनी की जाएगी और एक मंडल से 500 प्रतियोगियों को चुना जाएगा मुफ्त टैबलेट वितरण के लिए। इस योजना के अंतर्गत गाइस, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि सिविल सेवा, JEE, नीट, NDA, CDS, TET जैसी स्तरीय तैयारी वाली कोचिंग की क्लासेस यहाँ पर 28 फरवरी से शुरू हो गई थी। 28 फरवरी तक इसका यानी आवेदन था, इसके बाद ही शुरू हो गई थी कक्षाएं। और बीच में जैसा कि लॉकडाउन रहा, तो ऑनलाइन ही क्लासेस यहां पर चलाई गई है। तो ये थी पूरी आप कह सकते हैं अपडेट। जिन्होंने इसके लिए पहले पंजीकृत किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वही इसमें भागीदारी ले सकेंगे, ठीक है गाइज। तो ये अपडेट आप सभी के लिए। अगर आपकी फैमिली में आपने किसी ने भी इसके लिए आवेदन किया है, तो इस बात का, इसकी अपडेट का पूरा पूरा ध्यान रखिए। क्योंकि जब ये अपडेट आई थी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, मैं आपको इसके लिए वीडियो प्रोवाइड की थी पहले भी जानकारी, जब ये कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जारी किए गए थे, ठीक है गाइज। तो सभी को इस वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।